नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अनु। इस समय हम हैं हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी चंडीगढ़ में। मेरे साथ उर्मिला कुमारी जी हैं। उर्मिला जी कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली विकास से। ठीक है, और किस दिन आए थे आप हिम्स हॉस्पिटल में? मंडे 4 तारीख। 4 तारीख को आए थे। उर्मिला जी हमारे पास ये CKD के पेशेंट हैं, और जब उर्मिला जी यहाँ पर आई थी उस दिन इनको चक्कर आते थे, बहुत बेचैनी होती थी, काफ़ी ज़्यादा कमजोरी थी और सांस भी फूलती थी इनकी। अब 7 दिन के ट्रीटमेंट जो इन्होंने ली है, उर्मिला जी पहले तो आप अपनी जो दिक्कत आपको कैसे शुरू हुई और आपने कहाँ कहाँ दिखाया वो बताइए। पहले मुझे सबसे पहले डेंगू हुआ था। डेंगू का मैंने इलाज करवाया, उसमें पता नहीं चल पाया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं बीमार रहने लगी। फिर उसके 2 महीने बाद मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, उसमें आया कि मेरी किडनी का साइज छोटा है। तो फिर आपको क्या एडवाइस किया गया था? दवाइयाँ दी गई है, मेरे डॉक्टर दी थी, मैंने आपको दिखाई नहीं थी वो दवाइयाँ दी थी, उससे आराम नहीं पड़ रहा था मुझे। तो उन्होंने आपको किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए भी कहा गया था? ट्रांसप्लांट का और डायलिसिस के लिए भी बोला गया था। कहाँ पे दिखाया था आपने? मैंने गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाया था, दिल्ली में। ठीक है, और डायलिसिस के लिए भी आपको कहा गया था। तो अभी यहाँ आने के बाद में आपकी दवाइयाँ एलोपैथी की जो है वो कितनी चल रही हैं और पहले कितनी चल रही थी? अब तो एक चल रही है सिर्फ, कैल्शियम वाली, बाकी कोई दवाइयाँ नहीं चल रही, यहाँ की चल रही है। ठीक है, और जो आपकी दिक्कतें थी, जिन कंप्लेंट्स को लेकर आप आए थे वो बताइए कि वो कैसा रिलीफ लगा? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले दिन मैं आई थी, मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, कहाँ आ गई मैं, लेकिन नहीं, आज मैं जा रही तो मैं सच में ठीक हो गई। मेरे अंदर से भी पता है कि मैं ठीक हो गई, मैं खड़ी भी हो पा रही हूँ, कोई सांस नहीं फूल रही, कपड़े भी 2 दिन सुखा कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो यहाँ आपने क्या क्या थेरेपी की है? यहाँ मैंने वो पानी वाला कप वाला किया है, और हेड वाला किया है, और वो बेड वाला किया है। कितना कितना समय आप थेरेपी कर पा रहे हैं? बेड पे मैं रही हूँ 1 घंटा, मतलब एक ही टाइम, और पानी में मैं 2 घंटे रह गई, 1 टाइम सुबह 1 घंटा। ठीक है, तो घर जाके आप क्या करने वाली हैं? ये थोड़ा बहुत जुगाड़ करेंगे, एक सागर लेंगे, सागर को काटेंगे, रॉड वॉड लगाएंगे, और टेम्परेचर चेक करेंगे, यहाँ ऐसा थोड़ा बहुत तो करेंगे। मतलब थेरेपी आप कंटिन्यू करेंगे? हाँ करेंगे, और ये खाना पीने का भी करेंगे, जब ठीक होना है तो करना तो पड़ेगा। जी बिल्कुल करना पड़ेगा, और यही चीजें जो हमें स्वस्थ रखती हैं। बीपी, शुगर, फैटी लिवर जैसी बीमारियों को करें रिवर्स बिना किसी दवा के। अब आप भी बिना किसी दवा के अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। खानपान में बदलाव करके आप किसी भी बीमारी से आराम पा सकते हैं। आज ही स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल करें और वीडियो कंसल्टेशन के जरिए हमारे डॉक्टर से अपनी बीमारी के अनुसार ट्रीटमेंट प्राप्त करें।